हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, साइकिल की यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, मतलब कैसे सड़ाया जाता है, उसको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले क्या करूँगा, आपको प्रॉब्लम को दिखाऊँगा कि क्या हो रहा है। तो चेन को घुराने की समय देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा जाम कर रहा है चेन। तो इसका कारण है चेन का लाइन का प्रॉब्लम है, नहीं तो गियर का टाल है। और एक हो सकता है बीबी स्पैंडल, मतलब जो हाड़ी है, बीबी हाड़ी है, उससे थोड़ा सा ढीले होने पर भी चेन पड़ा जाता है। तो क्या प्रॉब्लम है उसको दिखाऊंगा, धीरे धीरे देखो होता है क्या। देख सकते हो ये जो अटक रहा है, मतलब गियर में टाल है। तो चेन को फेलेंगे, तो पहले आपको दिखा देता हूँ कि गियर का टाल किसको बोलता है। तो देख सकते हो गियर जब हम घुमा रहा हूँ, तब उसके अंदर का गैप कभी कभी छोटा हो रहा है, कभी कभी बड़ा हो रहा है। देख सकते हो, मतलब गियर टाल मार रहा है। जिस तरह से रिंग का टाल होता है, उस तरीका से गियर भी बांक खड़ा है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, देख सकते हो। तो इसको ही गियर का टाल बोला जाता है। तो इसको नहीं मारा तो गियर से चेन ऑल टाइम पर जाएगा। तो गियर का टाल मारना ज़रूरी है। और एक ज़रूरी बात, गियर का अंदर जो बॉल बेयरिंग है, मतलब जो बीबी हाड़ी में जो ढीलापन है, उसको भी टाइट कर देना होगा, नहीं तो उससे भी चेन पड़ सकता है। देख सकते हो थोड़ा सा ढीला से है। और एक बात देख सकते हो, जो चेन और फीका जो लाइन है, उसके ऊपर चेन लगाना पड़ता है। तो इसका लाइन भी ठीक से है कि नहीं, उसको भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसका लाइन ठीक है और जो हाड़ी का अंदर ढीला है, उसको भी टाइट कर दूंगा लास्ट में। और तो क्या रहा, गियर का टाल मारने से चेन पड़ना बंद हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो पहले गियर को घुमा के देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पर टाल है। तो टाल देख के हाथोड़ी से मारना होगा। बाहर में जा रहा है तो अंदर में करने के लिए हाथोड़ी बाहर से मारना होगा, देख सकते हो। और अंदर में गियर जा रहा है तो देख सकते हो, अंदर में जा रहा है उस तरफ, तो हाथोड़ा अंदर से बाहर में ठोकना होगा। तो अब देख सकते हो थोड़ा सा टाल रह चुका है, तो इसको मारना होगा। अब देख सकते हो गियर का टाल जा चुका है। तो आप क्या करेंगे, हाड़ी का जो पहले मैं बोल रहा था थोड़ा सा ढीला है, देख सकते हो थोड़ा सा ढीला है, तो इसको टाइट देने के लिए बीबी हाड़ी को थोड़ा सा चूड़ी का ढीला देके काप को टाइट देना होगा। तो इसी तरह से चेन पड़ना बंद हो जाएगा और पहले की तरह साइकिल चलेगा। तो आप चेन को गियर में पहनाएंगे और देखेंगे कैसे चेन कैसे काम कर रहा है कि नहीं, देखेंगे तो चलाएंगे।
तो थोड़ा सा देख सकते हो प्रॉब्लम हो रहा है, तो जिस जगह में ठीक रहा है उस जगह में थोड़ा सा हथौड़ी ठोक दे रहा हूँ, देख सकते हो। तो इसके बाद देख सकते हो चेन अटकाना बंद हो गया है और ठीक से काम भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे रहा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरा वीडियो को, और आप नया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।